अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल ये एक हॉट टॉपिक है, आजकल हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें खदशात पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अल्टरनेट एप्स का मशवरा देना शुरू कर दिया है। दरअसल व्हाट्सएप क्या है, ये हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड और iOS में यूज होती है, जो कि एक समाजी रबते के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐप है। इसके जरिए हम इजीली एक दूसरे से कंटेक्ट करके हम एक दूसरे के साथ पैगाम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर कर सकते हैं। आपने किसी को पिक्स भेजनी हो, आपने किसी को ऑडियो मैसेज भेजना हो, आपने किसी को वीडियो मैसेज भेजना हो, या आपने कोई वीडियो क्लिप भेजना हो, तो आप इजीली भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लोकेशन किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दरअसल आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा डिस्कशन में है, उसकी एक वजह यह है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है और व्हाट्सएप ने अपने तमाम यूजर्स को एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज भेज रहा है और उस मैसेज में वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की अपडेट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है और साथ ही हर यूजर को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री करते हैं तो आप 8 फरवरी 2021 के बाद आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इस अपडेट में क्योंकि प्राइवेसी का लफ्ज आ गया है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों को है कि पता नहीं हमारी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। दरअसल इस पॉलिसी में जो एक मेन वर्ड आया है वो आया है साथ फेसबुक का। तो आपको बताते चलूं कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को ऑन किया हुआ है, इसी तरह इंस्टाग्राम भी फेसबुक की प्रोडक्ट है। अब जो मेन खदशात पाए जा रहे हैं लोगों की माइंड में वो ये है कि व्हाट्सएप क्या करेगा कि हमारी प्राइवेट चैट्स जो होती हैं, हमारी ग्रुप चैट्स होती हैं, उसको फेसबुक पे लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि अपने लाखों करोड़ों सार्फिन का डाटा फेसबुक पे शेयर करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। और एक पिक्चर जो आजकल गर्दश कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पिक्चर में लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप आपसे क्या क्या डाटा कलेक्ट कर रहा है, आपका फोन मॉडल है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, बैटरी स्टेटस क्या है आपका, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, टाइम जोन क्या है आपके पास, आईपी एड्रेस क्या है आपका, व्हाट्सएप यूजेज क्या है आपका, पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन आप क्या कर रहे हैं, स्टेटस अपडेट्स क्या है, ग्रुप डिटेल्स क्या है, प्रोफाइल पिक्चर्स क्या है और अबाउट इन्फो क्या है। दरअसल फर्स्ट डे से ही जैसे ही आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपसे इजाजत ली जाती है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की और आप इसको बगैर पढ़े आप इसको एग्री कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो व्हाट्सएप के पास पहले से ही है, तो क्या आज तक फेसबुक पे किसी की ये इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप को तकरीबन हर पर्सन पाकिस्तान में यूज कर रहा है जिसके पास भी स्मार्टफोन है। इसकी वजह क्या है कि ये एक बहुत ज्यादा यूजफुल ऐप है, यानी इसके साथ आप सेम टाइम में आप किसी के साथ चैट कर सकते हैं, आप किसी को वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप किसी को वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप किसी को वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप किसी को पिक्चर शेयर कर सकते हैं, आपके पास कोई वॉइस नोट है आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज व्हाट्सएप ने ईमेल को भी रिप्लेस कर दिया है तो ये मेरे ख्याल से बेजाना होगा। आप कहीं पे भी रहते हुए आपके मोबाइल में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी किस्म का भी डेटा है, वो आप आसानी से कहीं से भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये सर्विसेज हमें फ्री में मिल रही है तो क्या आपका डेटा व्हाट्सएप के पास पहले नहीं है? आप फर्स्ट डे से ये सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर कहाँ किया जा रहा होता है या इस इंफॉर्मेशन को यूज कहाँ किया जा रहा होता है। तो हमारी इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ शेयर किया जाता है मार्केटिंग पर्पज के लिए। जिस तरह देखिए आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आप जो चीज अक्सर सर्च करते हैं आप देखिएगा कि आपको उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स के एड्स आ रहे होते हैं और इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ आपसे इसी बात का एग्रीमेंट लिया जा रहा है कि आपकी जो चैट्स हैं उनको मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सके। मींस कि आप अपने चैट्स में या ग्रुप चैट्स में आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब आपकी इस चैट में से क्या चीज सिर्फ और सिर्फ निकाली जा सकती है या जिसको मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सका है, वो सिर्फ ये है कि आप किन प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं। आप ड्रेसेस का जिक्र कर रहे होते हैं, आप शूज का जिक्र कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दरअसल इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेसबुक पे डिफरेंट कंपनीज जो है वो एडवर्टीजमेंट करती हैं और आप फेसबुक जब ओपन करते हैं तो आप देखिए कि आपको डिफरेंट कंपनीज के एड्स नजर आ रहे होते हैं। तो दरअसल जो आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं वो होते हैं कस्टमाइज्ड एड्स होते हैं, मींस कि आप क्या चीज इंटरनेट पे सर्च करते हैं, क्या आप डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस अपडेट में व्हाट्सएप हमसे यही एग्रीमेंट ले रहा है कि हम आपकी इन इंफॉर्मेशन को फेसबुक पे मार्केटिंग पर्पज के लिए या बाकी फेसबुक प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप हमें बताए बगैर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। वो कर सकते थे शेयर, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि व्हाट्सएप कोई ऐसी अपडेट लाएगा जिससे उसके यूजर्स कम हो और उसका बिजनेस जो है वो कम हो जाए। तो जब भी किसी कंपनी के बारे में ऐसे खदशात पाए जाते हैं या कंपनी को ये रियलाइज होता है कि उसके कस्टमर या उसके यूजर जो है वो डिससेटिस्फाई है उसकी किसी भी पॉलिसी की वजह से, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और लोगों के माइंड में जो खदशात होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट्सएप ने भी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने यूजर्स के माइंड में आने वाले तमाम खदशात को दूर करने की कोशिश की है, और इसमें जो जो पॉइंट्स लोगों के माइंड में थे उन सबको व्हाट्सएप ने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपके सामने मैं व्हाट्सएप की क्लेरिफिकेशन शेयर करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले इसकी हेडिंग यह है कि व्हाट्सएप प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर्स योर प्राइवेट मैसेज, यानी जो लोगों को सबसे बड़ा खतरा था उनके प्राइवेट मैसेज का कि वो किसी के सामने रिवील हो जाएंगे, डिस्क्लोज हो जाएंगे, तो व्हाट्सएप कहता है पहली बात तो यह है कि वो सारे के सारे सिक्योर है और व्हाट्सएप उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई और भी उस तक रसाई हासिल ना कर सके। इसके बाद इसको पॉइंट्स में डिस्कस किया गया, मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेज आर हियर योर कॉल्स एंड नेदर कैन फेसबुक, यानी व्हाट्सएप या फेसबुक आपके ना तो प्राइवेट मैसेज देखते हैं और ना ही आपकी कॉल्स को सुन रहे होते हैं। इसके बारे में पाकिस्तान में काफी सारी मीम्स भी बन चुकी हैं कि जब व्हाट्सएप या फेसबुक वाले आपकी कॉल सुनेंगे या आपके मैसेज सुनेंगे तो उनके क्या रिएक्शन होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग, यानी आप किसको मैसेज कर रहे हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं, हर किसी का रिकॉर्ड व्हाट्सएप उसको सेव नहीं कर रहा हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हर किसी के माइंड में था कि मेरी लोकेशन शेयर हो रही, इसके बारे में क्या क्लेरिफिकेशन आई है कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नेदर कैन फेसबुक, यानी आप आपस में एक दूसरे के साथ लोकेशन शेयर कर रहे होते हैं तो व्हाट्सएप या फेसबुक इसको नहीं देख सकता। उसके बाद जो सबसे बड़ा खदशा लोगों के माइंड में ये था वो था कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो है इसको फेसबुक पे शेयर किया जाएगा। तो इसके बारे में व्हाट्सएप क्या कहता है, व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक, कि व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स जो है इसको कभी भी फेसबुक पे या फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर रहा होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट्सएप ग्रुप्स रिमेन्स प्राइवेट, कि आपकी जो ग्रुप्स डिस्कशन होती है या ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन सेट योर मैसेज टू डिसअपियर, यानी ये आपको व्हाट्सएप ने फैसिलिटी दी है, आप उसमें ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम आपके मैसेज जो है वो खुद ब खुद डिसअपियर हो जाए। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि यू कैन डाउनलोड योर डेटा, कि आप अपना डेटा है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप या फेसबुक के पास सेव है। तो इस क्लैरिफिकेशन के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमारे माइंड में कोई खदशात रहने चाहिए कि हम व्हाट्सएप को यूज करें या किसी और ऐप की तरफ मूव हों। तो आज की डिस्कशन का खुलासा ये है कि आप बेफिक्र होकर व्हाट्सएप को यूज करें, आपकी प्राइवेसी को, आपकी चैट्स को, आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपकी लोकेशन को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जा रहा, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे, ना ही फेसबुक पे। हाँ, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है तो वो सिर्फ शेयर की जा रही है बिजनेस पर्पज के लिए या मार्केटिंग पर्पज के लिए कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, ताकि अगर कभी भी व्हाट्सएप को ये डाटा किसी के साथ शेयर करना पड़े, खासतौर पे फेसबुक के साथ, कि वो डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टीजमेंट क्योंकि कर रहा होता है फेसबुक पे और वहां पे आपको एड्स दिखा रहा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एड्स वही दिखाए जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, यानी कस्टमाइज्ड एड्स जो है वो आपके सामने आ सके। और एक मैं और बात क्लियर करता चलूं कि व्हाट्सएप पे अभी कोई एड्स स्टार्ट नहीं होने वाले, ना ही व्हाट्सएप इनको स्टार्ट कर रहा है। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में करेगा तो उसके बारे में भी आपसे एग्रीमेंट लिया जाएगा और आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दिया जाएगा। मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है कि जो भी लोगों के माइंड में खदशात पाए जाते हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दे सकूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो बहुत शुक्रिया, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।